नमस्कार, पीपीटी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहां पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिजनौर से पंचायत चुनाव प्रभारी हरपाल सिंह पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की एवं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई जिले की चयनित समिति के सदस्य पूर्व विधायक राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, चेयरमैन कृष्णपाल राठी, चेयरमैन रमा नागर, पूर्व विधायक मुश्ताक चौधरी, पूर्व विधायक नवाजिश आलम आदि नेताओं एवं जिला अध्यक्ष अजीत राठी व चुनाव प्रभारी हरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से बैठक कर सभी रालोद के समर्थक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों के आवेदन प्राप्त किए, जिसमें भारी संख्या में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन दिए। इस अवसर पर जिला चुनाव प्रभारी ने कहा कि रालोद आगामी जिला पंचायत चुनाव पूरी ताकत है के साथ लड़ेगी और अपनी पार्टी समर्थित प्रत्याशी को समस्त संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता गण। मुजफ्फरनगर से शाहिद अब्बासी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक जिला पंचायत चुनाव को लेकर की गई और जिसमें हमारे कमेटी है, चुनाव कमेटी है और प्रभारी हैं जी सब उपस्थित हैं और आवेदन जिला पंचायत लड़ने के इच्छुक हम साबित ले रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट अपनी जगह दिल्ली भेजी है। चाहे चुनाव मुझे अभी से लड़ा है जनपद मुजफ्फरनगर में सभी सीटों और सभी वार्डों में जिला पंचायत चुनाव हमारे माननीय जैन चौधरी हम लोगों का निर्देश क्या है कि आप एक कमें एक बैठक बुला के इसमें जो है मतलब वार्ड वाइज आवेदन दें और कमेटी हमारी बनी हुई है, सब आपके पास बैठे हुए हैं। धर्मवीर बालियान जी हैं, राजपाल बालियान जी हैं, नवाज मुख्यमंत्री योगराज सिंह हैं, हम लोग जो है बड़ी निष्पक्षता से इस पर काम करने की कोशिश करेंगे और कुछ नाम हम लोग जो है पूरे नाम तय करना दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से फाइनल जो करेंगे।